हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे पनीर का पराठा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको। तो इसको बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है। ये होममेड पनीर है, तो इसको यहाँ पर मैंने क्रम्बल कर लिया है हाथों से, चाहे तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली हुई है, जिसको बारीक चॉप कर लेंगे हम यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने धनिया लीव्स लिए हुए हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है। दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर रखा था, तो इसको भी मैंने पनीर में मिला दिया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया, 1/4 टीस्पून इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड किया है, और धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसमें पनीर मसाला ऐड किया है। पनीर मसाला ऐड करके आप एक बार पराठे को बना कर देखें, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है गाइस। तो इसको मैंने बनाने सभी चीज़ों को मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, और मैंने डो लिया है यहाँ पर, गेहूं का आटा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल सारे पराठे पर स्प्रेड करूँगी, और फिर इसमें स्टफिंग रखेंगे। पराठा इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर 2 से 2.5 स्पून मैंने पनीर की इसमें ऐड किया स्टफिंग में। तो पनीर यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे नहीं बनाने हैं, सिर्फ यहाँ पर 2 ही पराठे बनाकर तैयार करूँगी। तो स्टफिंग थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही रखें तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। बस इसमें ओवरफिल ना करें, वरना पराठा है जो हमारा बेलते टाइम फट जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सूखे आटे से डस्ट करके इसको मैं बेल लूँगी। सिंपली इसको जिस तरीके से हम सभी पराठे बनाते हैं ऐसे ही बनता है, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा सूखा आटा इसमें फिर से एक बार डस्ट कर लेंगे, और इसको हम किनारियों से बढ़ाते हुए बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए हमें इसे नहीं बेलना है, तो वरना स्टफिंग हमारी जो पराठे से बाहर निकलने लगेगी। तो इसको हल्के हाथों से चारों तरफ से घुमाते हुए मैंने बेल लिया है। तो तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाकर तैयार करूँगी। तो मस्टर्ड ऑयल को मैंने एक बार तवे पर स्प्रेड कर दिया है, तो तवा भी हमारा बहुत बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो बेला हुआ इस पर पनीर का पराठा हम ऐड करेंगे, और एक साइड से जब ये हो जाए तो इसको हल्का सा मैं टर्न करूँगी, जिससे कि इवनली इस पर कलर आए। और फिर एक साइड से हो चुका है, तो साइड को इसके हम चेंज कर देंगे, और जब ये हल्का सा उस साइड से हो जाए तभी इस पर ऑयल को हम स्प्रेड करेंगे। बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार होता है, बहुत ही फूला फूला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर भी मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल स्प्रेड किया है। आप चाहे तो उसको बटर में भी बना सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही इनको बनाती हूँ। तो हल्का हल्का सा स्पेस मैंने मस्टर्ड ऑयल स्प्रेड किया है, और फिर मैंने एक साइड से इसको सेक लिया, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही बढ़िया फूल कर तैयार हुआ है पराठा। जब तक अच्छे से फूल जाए पराठा हमारा, बहुत ही बढ़िया अंदर से भी कुक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो दोनों ही साइड से मैंने इसको इस तरीके से लाल पराठा कर लिया है, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही पराठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो